अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए हैं नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे अपनी वीडियो में चाइनीज राइस। सबको बनाने आते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से आप लोग सीखिएगा आज, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने। और आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। लाल बटन को तो प्रेस करना भूलिएगा मत आप लोग। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चाइनीज राइस आप लोग ने ट्राई किए तो कैसे लगे आपको। आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, फिर मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, चाइनीज राइस की तरफ। हम चाइनीज की सबसे पहले सॉस बनाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स ये रखे हुए हैं आप लोग के सामने। 1 कप केचप है, तो ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून चिली सॉस, सोया सॉस 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, ठीक है। और ये है हॉट सॉस, और इसमें सॉस में हरी प्याज डलेगी तकरीबन 4 टेबल स्पून है, और 4 टेबल स्पून शिमला मिर्च है। अब सॉस के अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो है चिली, क्रश चिली 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 3 हरी मिर्च। इसको ऐसे लंबी लंबी काट लें आप। 2 टेबल स्पून ऑयल भी जाएगा, ठीक है। और लहसुन 2 जवे, ठीक है। चिकन हमने बोन ली थी, ठीक है, उसके अंदर से हमने चिकन के रेशे कर लिए। अगर आपके पास बोन नहीं है तो बोन लेस ले लें, बड़ी बड़ी बोटियां डाल लें, जो आपकी मर्जी है वो आप लोग करें। मेरे बच्चे ऐसे खाते हैं, मैंने वो करा है। चाइनीज राइस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो आपके सामने रखे हैं। ये शिमला मिर्च है 3 अदद, ठीक है। ये बहुत बड़ी साइज की थी, लेकिन आप लोग मीडियम साइज की ले लें। और ये है प्याज तकरीबन 1 पाव हरी प्याज, और ये है गाजर 3 अदद, बहुत बड़ी थी। अब इसको कद्दूकश, मैं कद्दूकश कर लेती हूँ, आप लोग चाहे चॉप कर लें, जो मर्जी आए कर लें आप लोग, ठीक है। और ये है थोड़ी सी, 1 पाव से भी कम चिकन है जो चाइनीज राइस में डलेगी। 2 टेबल स्पून चिली सॉस डलेगा, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डलेगा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 3 टेबल स्पून ऑयल। चले हम अपनी सॉस तैयार करते हैं। चलिए हम अपनी सॉस बनाते हैं। अब हमें पहले सबसे पहले हमें सॉस पैन चाहिए, उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। चाइनीज में ऑयल कम जाता है, इसका ख्याल रखिएगा। सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे, 2 जवे लिए थे। इसको हल्का सोते करना है, बस पिंक पिंक सा करना है। उसके बाद हम हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा बस, इसलिए ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो जाता है। अब हम इसके बाद चिकन डालेंगे अपना। चिकन के बाद चिकन को 5 मिनट खिलाना है। फिर ये जो हमने केचप ली थी 1 कप, इसको हम डाल देंगे। ये दरअसल मेरा अपना अंदाज है चाइनीज बनाने का। चाइनीज तो सबको आता होगा बनाना, क्योंकि सब घरों में अलग अलग तरीके से बनता है। चाइनीज बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम चाइनीज बन जाएंगे, हम लोग के देसी लोग, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा फीका भी अच्छा लगता है। तो हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, अब हम काली मिर्च डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च डाल। सबसे पहले ये शिमला मिर्च और हरी प्याज डालेंगे, फिर हम 1 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। लेकिन इसकी सॉस जो है ना बहुत थिक हो गई है। इसके बाद हम 4 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे, ये हॉट सॉस है। सोया सॉस हम 4 टेबल स्पून डालेंगे। ये मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल ली, थोड़ा सा खोल आता है इसके अंदर, तो फिर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर। और ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है,
टेबल स्पून ऑयल जाएगा। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे जो आपको दिखाई थी, वेजिटेबल कट करी हुई है हम वो डालेंगे। ये हरी प्याज डाल रहे हैं हम। जो गाजर है हमारी कद्दूकश, वो हम एंड में डालेंगे जब चावलों को दम पे लगा देंगे, लेकिन कद्दूकश हुई हुई है तो उसको गलाने की जरूरत ही नहीं है, दम में ही पक जाएगी। ये हमारे चाइनीज राइस तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर जो 2 टेबल स्पून सोया सॉस था पूरा डाल देंगे हम, चिली सॉस, 1 टीस्पून सॉल्ट डालेगा, तो चावलों में भी सॉल्ट डाला हुआ है तो इसलिए हमें सॉल्ट कम डालना है। और ये हमारी काली मिर्च डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून। ये चावल मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे, इसलिए कि थोड़ा टाइम बचाना होता है इसलिए कि इसको भिगोने होते हैं। चार, मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे इसको बनाया। 4 ग्लास पानी लिया मैंने और 4 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, क्योंकि सॉल्ट कम भी हो जाता है जब पानी फेंकते हैं हम। तो ये राइस हमने बॉईल करके रख लिए थे, ठीक है, टाइम की हमें थोड़ी बचत करनी होती है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें गाजर किस टाइम डालनी है, वो आप देखिएगा। ये जो कद्दूकश वाली गाजर थी, ये मैं आपको बता दूं कि ये कैसे डलेगी। ये सिर्फ ये दम में ही गल जाएगी। ये ऐसे हमें डालनी है। जब हम चावलों को दम लगाएंगे ना, ये गल जाएगी, इसलिए कि इसमें इतना कद्दूकश करी हुई है बेचारी, क्या टाइम लेगी ये। अब इसको हम दम लगा देंगे तो हम बनने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा चाइनीज राइस, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।